दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में अभी हम संधि को पढ़ रहे हैं। दोस्तों संधि का ये दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हम स्वर संधि को पढ़ चुके हैं और डिटेल में पढ़ा था और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम स्वर संधि के प्रश्न को देखते ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर स्वर संधि को अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए इस दूसरी वीडियो में हम देखने वाले हैं आज व्यंजन संधि को, तो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों व्यंजन संधि को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करा दूं जो हमने स्वर संधि में पढ़ा था। तो दोस्तों स्वर संधि में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि स्वर संधि क्या होती है और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो वहाँ पर हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। दोस्तों यकीन करना, आप जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं प्लीज़ अवश्य देख लेना आप स्वर संधि की वीडियो को। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, आप देखते ही लगा दोगे स्वर संधि के। जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप देखते ही लगा दोगे। ठीक है, ऐसे ही आज व्यंजन संधि में हम देखने वाले हैं। तो संधि जितना टिपिकल आप लोग समझते हैं उतना है नहीं, बसरते आपको एक अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। तो दोस्तों हम आपके लिए घर बैठे इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यंजन के बाद जैसे कोई भी व्यंजन वर्ड हमारा आएगा, वह ले लिया हमने, उसके बाद में स्वर या व्यंजन के आने से, तो स्वर यहाँ पर स्वर ले लिया हमने, एक ये स्वर ले लिया या व्यंजन कोई अनुदर हमने व्यंजन ले लिया, तो इसके बाद जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पहले वाला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ड होगा वह व्यंजन होगा। बस एक बात आप ये याद रखिए, उसके बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ड चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी क्या आएगा, आएगा तो स्वर या व्यंजन ही आएगा, तो उसे आप छोड़िए। बस याद आपको ये रखना है कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ड व्यंजन होना चाहिए, तो वह होती है व्यंजन संधि। उसके बाद में जो विकार होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल है वाक धन ईश, तो हो गया हमारा वागीश। अब ये कैसे हो गया वागीश, ये सतजन जन सज्जन कैसे हो गया, ये रूल हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप देखते ही लगाओगे कि ये व्यंजन संधि है। संधि का जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना पूरी संधि, जैसे विसर्ग संधि पढ़ने के बाद में, तब आप देखना कि आप किस तरीके से संधि में देखते ही लगाओगे कि ये वाला इसका राइट आंसर है, कौन सी स्वर संधि है, कौन सी विसर्ग है और कौन सी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो आप अभी पढ़िए और संधि को आप पूरा पढ़िए, जैसे स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं तो स्वर संधि को भी अवश्य पढ़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो वाग्धन ईश, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ड व्यंजन होना चाहिए, तो यहाँ पर क है तो व्यंजन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर त है तो ये भी व्यंजन है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट है कि व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला रूप होता है। क्या मतलब, मतलब ये है हलंत क्या होता है, हलंत इस तरीके से एक क्रॉस इस तरीके से डंडा होता है। देखिए कैसे, कि जैसे हमने ये क लिखा और इस पर ये हमने ऐसे लगा दिया जैसे इस तरीके से, तो ये होता है हलंत। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो दोस्तों जब किसी भी व्यंजन वर्ड पर ये हलंत लगा हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है, पहले तो ये होता है इस नोट के अकॉर्डिंग कि ये एक शुद्ध रूप है, व्यंजन का एक शुद्ध रूप है। दूसरा मतलब ये है कि ये अधूरा व्यंजन वर्ड है, ये अधूरा व्यंजन वर्ड है। देखिए जैसे हमारा ये क है जो हम वर्णमाला में पढ़ते हैं क ख ग, है ना, तो इस तरीके से हमारे बने होते हैं उनमें हलंत नहीं होता है। अगर हम इसको, ये जो होता है ना इसका जो रूप होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका विच्छेद करें तो, क्योंकि अ के बारे में मैंने आपको बताया था वर्णमाला के टॉपिक जब हमने कंप्लीट किया था कि अ हमारा एक शहीद वर्ड होता है। क्या होता है, शहीद वर्ड होता है, तो शहीद का मतलब क्या हो गया, बेचारा इन सभी व्यंजन वर्ड के साथ शहीद होता है। ये जो क है ना, ये जो क है ये शुद्ध व्यंजन रूप नहीं होता है,
इसमें हमारा क मिक्स होता है, ठीक है, क प्लस होता है, और जो शुद्ध होता है वह ये वाला होता है, ठीक है, जो हलंत वाला। तो हलंत के साथ में जब अ लग जाता है तो तब ये पूर्ण हमारा इस तरीके से व्यंजन बनता है जो वर्णमाला में यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बस इतना आप याद रखना कि ये जैसे ये लिखे हुए हैं क ख ग, इनमें हलंत लगा हुआ है तो ये व्यंजन का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। अ इनके साथ प्लस हो जाए तो ये हमारा क बन जाएगा, ये हमारा ख बन जाएगा जो वर्णमाला में आते हैं हमारे, ठीक है। तो दूसरा ये भी याद रखना, अ हमारा सही वर्ड है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब व्यंजन संधि के नियम। अब यहाँ से हमारा ये व्यंजन संधि का जो टॉपिक अब स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रश्न आना है, ठीक है। तो अब रूल हमें देखने हैं, 7 रूल हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में तो नहीं, बहुत ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि हमने स्वर संधि में पढ़ा था उसी तरीके से देखते ही आंसर लगाना है कि ये। अब इसमें तो एक फायदा और है, व्यंजन संधि में इनके कोई भेद नहीं है कि जैसे गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि व्यंजन संधि है, इसमें रूल होते हैं, केवल हमें देखते ही ये लगाना है कि ये व्यंजन संधि है, तो इसलिए आसान हो जाती है, ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। एक बार वीडियो को प्लीज अंत तक अवश्य देखना, ठीक है। व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, संधि की कोई सा पार्ट हो दोस्तों, आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि थोड़ा वार्तालाप अधिक हो जाता है, और आपको तो पता होगा कि मैं फालतू बातों पे वार्तालाप नहीं करता हूँ, जो भी टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं उन्हीं पर हमारा जो डिस्कशन है वही चलता है, ठीक है। तो 10 मिनट चाहे ज़्यादा लग जाए पर समझ में तो आना चाहिए ना, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि बस दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला नियम क्या कहता है कि वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तन। कैसे? किसी भी वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, कुछ समझ नहीं आया। अगर जिन लोगों ने वर्णमाला का टॉपिक नहीं पढ़ा है और जिन लोगों को व्यंजन के बारे में नहीं पता है, वर्ग के बारे में नहीं पता है, तो उनको समझ में नहीं आने वाला है, नहीं आएगा ना। तो इसलिए मैंने जो वर्ग होते हैं वो मैंने शामिल किए हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो पहला नियम है कि पहले का तीन में परिवर्तन, पहले का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, पहले का तीन में परिवर्तन। कैसे? कि पहला वर्ड होता क्या है? तो वर्ग जो होते हैं दोस्तों, वर्ग मैंने आपको व्यंजन में पढ़ाए थे जब वर्णमाला हमने कंप्लीट किया था, तो वहाँ पर स्वर और व्यंजन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वर्णमाला का टॉपिक, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की हिंदी की, ठीक है, आप वहाँ से जाकर वर्णमाला पढ़ सकते हैं। तो वर्ग जो होते हैं, तो दोस्तों मैंने बताए थे कचटतब, क्या बताए थे? कचटतब, मैंने एक शब्द के रूप में बताए थे, इस तरीके से आप ट्रिकी माध्यम से याद रखना, कचटतब। क्या? कचट तब, ये हमारे वर्ग होते हैं। तो अब मैं इनको दिखा देता हूँ डिटेल में, देखिए यहाँ पर लिए हमने ये रहे, तो ये हैं दोस्तों कचट तब, ये कचट तब। तो दोस्तों ये हमारे वर्ग होते हैं, तो ये पहला वर्ग है, ये हमारा दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच वर्ग होते हैं, और पांचों में पांच पांच हमारे वर्ड होते हैं, ठीक है, टोटल वर्ड हो जाते हैं 25। तो क वर्ग है इसमें क ख ग घ ग, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, च छ ज, ये पढ़े होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, पहला नियम कह रहा है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन, मतलब क का ग में परिवर्तन, ट का ड में परिवर्तन। अब ऊपर देखते हैं, चलिए अपने नियम पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ है, देखिए पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, तो क चेंज हो जाएगा ग में, च चेंज हो जाएगा ज में, ट ड में, और त द में, प ब में, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए बस कचट तब, कचट तब आपको पता है तो आप आसानी से देख लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल इसके कैसे चेंज होते हैं। तो दोस्तों पहला है दिक धन अंत, तो हो गया दिगंत। अब यहां पर क था हमारा, क था, तो क हमारा किस में चेंज होगा? ग में, ठीक है, तीसरे में होगा, क हमारा पहला होता है, क के बाद ख आता है, फिर ग आता है, तो क का ग में होगा। याद नहीं रखना है दोस्तों, ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बस आपको वर्ग पता है, ठीक है, कचट तब वाले वर्ग आपको पता है तो आप आसानी से देख लोगे, ठीक है। दूसरा है दिक धन दर्शन, तो क किस में चेंज होता है? ग में, ठीक है। अच धन अंत, तो च किस में होगा? ज में, तो ये अजंत हो गया। सट धन आनंद, ट किस में होता है? ड में, तो सड़ानंद हो गया। सत धन भावना, त किस में होता है? द में, तो सद्भावना हो गया। अपधन धे, तो प किस में होता है? ब में, तो अब्धि हो गया, ठीक है ना। अब आपको एक शायद आपको दिख रहा हो और कन्फ्यूजन आपको हो रहा हो, क्या कि दोस्तों यहाँ पर क्या था कि प जब ब में चेंज हुआ तो यहाँ पर ये आधा आया,
और यहां पर दिग धन अंत, यहां पर क जब हमारा ग में चेंज हुआ, यहां ये आधा क्यों नहीं आया? आ रहा होगा ना दिमाग में ये क्वेश्चन, शायद किसी किसी के उठ रहा होगा, जो ज्यादा ही डीपली आप देख रहे होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि हाँ यहां पर जो क है घ में चेंज हुआ, यहां पर ये आधा नहीं आया है, लेकिन यहाँ प है ये ब में चेंज हुआ तो ये आधा आया है ना। और यहां पर देखिए यहाँ जो यहां पर क है ये भी आधा आया, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जैसे ये हलंत होता है, ये हमारा अधूरा होता है, हाफ होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है हाफ। जैसे ये क है तो ये हाफ है, कैसे अगर इस क के बाद में अगर इसका प्लस हम करेंगे ल से कर दें तो ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा क्ल, ऐसे लिखा जाएगा क्ल, ठीक है, क हमारा हाफ आएगा। तो यही देखिए तरीका है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, क हमारा इसके बाद क्या था, अ। तो दोस्तों जब भी हलंत वाले वर्ड का संयोग जो है स्वर से हो, स्वर से हो तो ये हाफ नहीं आता है, फिर क्या होता है ये पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यानी अ है तो अ का मतलब क्या होगा, क तो हमारा घ में चेंज हो गया, लेकिन अ इसमें प्लस हो गया तो ये हमारा पूर्ण बनेगा। मैंने क्या बताया था, जैसे क है अगर इसमें अ मिल जाए तो क्या हो जाता है, ये हमारा क हो जाता है, क हो जाता है ना, है ना। अगर इसी तरीके से ये क है अगर इसमें ई मिल जाए, मान लीजिए ई, ठीक है, तो ये हमारा के हो जाएगा, के हो जाएगा, छोटी ई है तो बड़ी है तो की हो जाएगा, ए है तो ए मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, कैसे आगे अभी देखिए बहुत सारे आने वाले हैं तो मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया दिगंत, अब ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि क हमारा ग में चेंज हो गया था और बिंदी हमारी लगी हुई है तो दिगंत हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ देखिए क के बाद में द है दोस्तों, तो क तो हमारा ग में चेंज हो गया लेकिन द तो हमारा ऐसे के ऐसे ही है ना, तो व्यंजन के बाद व्यंजन आया है ना, व्यंजन के बाद व्यंजन आया है तो ये हमारा हाफ हो गया, व्यंजन हमारा पूरा हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से आता है, क का ग में परिवर्तन हो गया, द हमारा पूरा आ गया, ठीक है। तो ये जो जिस पर हलंत होता है वह हाफ आता है, ठीक है, इतना आप याद रखना। आप कहेंगे यहां पर क्यों नहीं आया, तो यहां पर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पर स्वर है, स्वर के साथ जब मिलन होगा फिर वहां पर ये हाफ नहीं आएगा, जो मात्रा होगी वो मात्रा लग जाएगी, ठीक है, इतना आप याद रखना। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, देखते ही आपको किस तरीके से लगाना है कि ये व्यंजन संधि है। तो देखिए याद आपको क्या रखना है कि बस याद आपको ये रखने हैं, क्या रखना है, ये याद रखने हैं, जो तीसरे वर्ड हैं ये हमें याद रखने हैं। बस हमें देखना है बीच में कि बीच में हमारा ये ग ज ये ड द ब में से कोई आ तो नहीं रहा है। अगर बीच में ज़्यादातर मोस्टली हाफ भी आते हैं, हाफ कैसे आते हैं मैंने बता दिया है, तो यहाँ देखिए ग आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है ग आ रहा है, देखिए तो यहाँ भी ग आ रहा है, यहाँ पर ज आ रहा है, यहाँ पर ड आ रहा है, द आ रहा है, यहाँ ब आ रहा है, तो ये आपको गजट दब याद रखने हैं इस तरीके से, तो ये होगी हमारी व्यंजन संधि, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम है दोस्तों पहले का पांच में परिवर्तन, अभी क्या था पहले का तीन में परिवर्तन, ठीक है, अब पहले का पांच में परिवर्तन। तो सिंपल है दोस्तों, ज्यादा टफ नहीं है, आप अंत तक देखिए, बस आपको सभी समझ में आने वाले हैं। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हम आपको वहां पर भी अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से हमने जो रूल देखे थे तो वह यूज कैसे करने हैं, ठीक है। चलिए पहले का पांच में परिवर्तन मतलब पंचमा अक्षर क्या होता है, तो पंचमा अक्षर ये होते हैं, इन्हें हम नासिक की भी बोलते हैं, इन्हें हम नासिक की भी बोलते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट होता है दोस्तों कि दूसरे शब्द का पहला वर्ड हमेशा न या म होता है, क्या होता है, न या म होता है। अगर न या म नहीं होता तो फिर हम पता कैसे करते कि पहले का तीन में परिवर्तन होगा या पहले का पांच में परिवर्तन होगा, बताइए। पहले वाला नियम भी तो यही कह रहा था कि ये जो पहला है उसका तीन में परिवर्तन, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था कि इसमें दूसरे शब्द का पहला वर्ड ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें कुछ भी होना चाहिए, उसमें कुछ भी होना चाहिए, लेकिन इसमें दूसरे शब्द का पहला वर्ड हमेशा न या म होता है, तब ये हमारा पंचमा अक्षर आता है, पांचवें वर्ड में परिवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों जैसे ये हो गया वाक धन मय, तो यहां पर तो ये देखिए हमारे वही आएंगे कचट तब, पहला वर्ड है, ठीक है, दूसरे में देखना है यहां पर अगर न या म में से कोई है तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, पांचवा वर्ड आएगा, ठीक है। तो देखिए तो वाकदन में तो यहां पर म है तो उसी का हमारा पांचवा वर्ड आ गया, क हमारा हो गया देखिए अंगा में, तो क्योंकि क में जो पांचवा आता है देखिए क ख ग घ और अंगा, तो क में क्या आता है पांचवा वर्ड, यही है ना अंगा,
तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया वांग में, ठीक है। उत्तनमत उन्मत हो गया, तत्दन में तन्मय हो गया, जगतदन्नाथ जगन्नाथ। बहुत टफ दोस्तों, पूछ लिया जाता है ना कि जगन्नाथ में बताइए किस तरीके से विच्छेद करा लिया जाए या आपको दे दिया जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मतलब घबरा जाते हैं, आधे से ज़्यादा तो गलत ही कर बैठते हैं। कैसे? कुछ तो ये समझते हैं कि जैसे हमने जैसे पढ़ा था ना स्वर संधि में, दीर्घ संधि, उसमें यहाँ पर देखा जाए कि बड़े की मात्रा आ रही है, बड़ा आ रहा है, जो बड़ा बड़ा आ रहा है तो वो क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको क्या देखना है, ज़्यादातर ना हाफ वर्ड होते हैं इनमें शामिल होते हैं, व्यंजन संधि में ज़्यादातर मोस्टली हाफ वर्ड शामिल होते हैं, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी हाफ ही है, वांग में हलंत लगा हुआ है तो हाफ है। उद्दनमत त का हमारा पंचम अक्षर क्या होता है, न होता है, तो उन्मत्त हो गया, ठीक है। तत् का क्या हो गया, तन्मय हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पहचान कैसे करनी है कि यहाँ पर देखिए पंचम अक्षर, पंचम अक्षर ये आपको याद रखने, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं ना, नाशिक के व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये न म अंग अण इनमें से कोई आ रहा है तो ये क्या है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में ऐसा तो कोई भेद होता नहीं है कि दीर्घ संधि के गुण संधि यण संधि, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, आपको रूल बताने हैं, डायरेक्ट आपको यही बताना है कि ये हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है। तो आसानी से आप हो गया ना कंप्लीट, तो पढ़ते जाइए दोस्तों। तो दो नियम हमने देख लिए हैं, पहले का तीन में परिवर्तन और पहले का पांच में परिवर्तन, ठीक है। तो तीन पांच हमने यहां पर देख लिए, इस तरीके से आप पढ़ लीजिए, तीन पांच, पहला नियम तीन, दूसरा पांच, तीन पांच दो नियम हो गए। आगे है छह संबंधी नियम। अब देखिए छह संबंधी नियम, तो दोस्तों छह संबंधी नियम क्या कहता है कि हस्व स्वर क्या होते हैं, ये देखिए स्वर में हम पढ़ चुके हैं, अ ई उ ऋ ऋ, ठीक है। प्लस नहीं होगा यहाँ पे, गलत हो गया, या आ, आ किस में आता है, दीर्घ स्वर में आता है, आपको पता होगा दीर्घ स्वर में आता है आ, तो दीर्घ स्वर में से केवल आ होना चाहिए और हस्व स्वर में से, हस्व स्वर तो पूरे होने चाहिए, अ ई उ ऋ ऋ, उनके बाद में अगर छ आता है, अगर इनके बाद में छ आता है तो छ से पहले च जुड़ जाता है। बहुत आसान है, कैसे कि यहां पर देखिए प्लस नहीं है, इसको सही कर लेना, ठीक है। तो हस्व स्वर छ से पहले या तो हस्व स्वर आएगा या आ आएगा, या आएगा, मोस्टली यही आते हैं हस्व स्वर, ठीक है। तो छ से पहले च जुड़ जाता है, मतलब च छ हो जाता है, च छ हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ये है स्वच्छंद, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, अ आ रहा है, स्व में क्या अ है ना, उसके बाद छ आ रहा है, तो देखिए हो गया स्वच्छंद। अब यहां पर क्या हो गया, च छ हो गया, च छ हो गया, हो गया ना च छ, और प्रत्येक में च छ आएगा, हो गया ना आसान दोस्तों। जहां पर भी बीच में आपको च छ दिखे वहीं पर व्यंजन संधि, वहीं पर व्यंजन संधि। नियम तो बताना ही नहीं है कि ये हमारा तीसरा नियम था, ये तो आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि ये तीसरा नियम था, ठीक है ना। तो यहां पर भी च छ दिखे वह व्यंजन संधि। आगे देखिए अनुदन छेद अनुच्छेद, अब यहां देखिए अनु में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, देखिए तो अनुच्छेद हो गया। परदन छेद, तो देखिए परे में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है, तो ये मैंने बताया था ना, छह से पहले अगर हस्व स्वर आए तो अच्छा छह हो जाता है, बस हो गया। अब देखिए विदन छेद विच्छेद, छत्रदन छाया छत्र छाया, अब कहेंगे त्र में क्या है, त्र में भी तो अ है, त्र में भी तो अ है, तो हो गया छत्र छाया, सिंपल था ना, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे आप सिंपल ही आने वाले हैं, इतना टिपिकल नहीं है, वैसे भी सभी सिंपल हैं, एक से दो बार वीडियो देख लीजिए, संधि से आपका गलत होने वाला नहीं है प्रश्न, ये गारंटी है दोस्तों, आप बसरते बहुत अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है। चलिए चौथा नियम है त संबंधी नियम, ये थोड़ा हमारा बड़ा नियम है, त संबंधी नियम है बहुत सिंपल, है बहुत सिंपल ही है, कैसे कि चलिए देखते हैं दोस्तों। त के बाद में ध्यान से देखना, त के बाद में च छ आए, त के बाद में अगर च छ आए तो त हमारा च में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अरे कहने का मतलब ये है, पहले वाले को देख लीजिए, आगे के तो मैं बहुत डायरेक्ट बता दूंगा, इस तरीके से आते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना बस इसको। अगर त के बाद में च छ आए तो हमारा त किस में चेंज हो जाता है, च में, तो त हमारा जब च में चेंज होगा, ठीक है, हलंत लगा हुआ है, देखिए आगे भी हमारा च है या आगे हमारा छ है, तो दोस्तों ये बताइए बन क्या जाएगा, क्या बन जाएगा, या तो हमारा ऐसे च बन जाएगा या हमारा इस तरीके से छ बन जाएगा, यही बनेगा ना, दो इसी तरीके से बनेंगे। अगर छ होगा तो ये ऐसे च बन च छ बन जाएगा, क्योंकि त तो हमारा च बनना ही बनना है, अगर च होगा तो ये इस तरीके से च हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। देखिए आगे, तो दोस्तों आपको याद ये रखना है कि त के बाद में
छ आए, चाहे ज झ आए या ट ठ आए या ड ढ आए, केवल यहाँ तक देखना बस अभी, च छ आए या ट ठ आए या ड ढ आए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमेशा पहले वाले में जो पहले वाला होता है हमारा, उसमें हमारा उसी के साथ हमारा जो त होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो पहले वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, त है यहाँ पर च में चेंज हो जाएगा, त है यहाँ पर छ में चेंज हो जाएगा, त है यहाँ पर ट में चेंज हो जाएगा, त है यहाँ पर ड में चेंज हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, अभी आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखना, त के कुछ नियम और हैं दो तीन, तो ये मैं थोड़ा अभी बताऊंगा बाद में, पहले इनके एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहला है उत दन चारण, तो मैंने क्या बताया था, त के बाद में अगर च आ रहा है तो क्या होगा, त हमारा च में चेंज हो जाएगा। जब त हमारा च में चेंज होगा, च हमारा पहले से है तो डबल च हो जाएगा, तो उच्चारण हो गया, हो गया ना उच्चारण। ऐसे देखिए सत धन चरित्र, तो देखिए चरित्र में तो च है ही, च या छ कुछ भी आए, लेकिन ये भी हमारा च बन जाएगा, तो जब ये भी च बन जाएगा यहाँ पर भी च है तो डबल च हो जाएगा, तो सच्चरित्र, सच्चरित्र हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अगर चलिए छ वाला नहीं लिया है ना हमने, तो चलो छ वाला देख लेते हैं। तो छ वाला जैसे हम देखें, जगत धन, जगत धन छाया है ना, जगत धन छाया, तो ये हो जाएगा। देखिए अब त के बाद क्या आ रहा है, छ, लेकिन त के बाद चाहे छ आए या च आए, चेंजिंग किस में होगी, च में होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जगत छाया, क्या हो जाएगा, जगत छाया, मैंने बताया था छ होगा तो छ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना दोस्तों, पहला हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्या था, अगर त के बाद ज या झ आता है, ज या झ आता है तो क्या होगा, तो ज में चेंज हो जाएगा, ज में चेंज हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर वही हुआ है, त का ज में हुआ है तो सज्जन हो गया, अब जगत धन जननी है, जगत जननी हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए झ के साथ बता दूँ, एक बता दूँ, वीडियो थोड़ा लंबा करवा देते हो, खुद ही कराते हो फिर कहते हो कि वीडियो लंबा हो गया। चलिए जैसे ये है उत दन झटका, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा तो हमारा हमेशा ज में चेंज होगा, चाहे ज आए या झ आए, तो यहाँ हो जाएगा उत झटका, क्या हो जाएगा, उत झटका, तो बस हो गया, तो इसी तरीके से हो जाता है, ठीक है, अब आगे नहीं बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पर है देखिए उत धन लास, एक मिनट दोस्तों अभी ये रह गया, देखिए व्रत दन टीका, अब त के बाद में चाहे ट आए या ड आए, तो चेंजिंग किस में होगी, ट में होगी, पहले वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, तो यहाँ देखिए व्रत टीका, एक यहाँ पर लिया है चाहे ड आए या ढ आए, त के बाद त किस में चेंज होगा, ड में होगा, पहले वाले में, तो यहाँ देखिए उत धन डन डयन, तो उड्डयन, ठीक है। तो यहाँ तक ये अभी हमने चार देखे थे, तीन हमारे कुछ स्पेशल हैं इसके लिए ना, थोड़ा देखना है हमको और इनको ना थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम देख चुके थे, अब हमारा त का तीन नियम और हैं, इसे देखिए, त के बाद में अगर ल आता है, केवल ल, केवल केवल ल, तो त किस में चेंज हो जाता है, ल में, मतलब त ल में चेंज हो जाता है, पहले से ल और है तो मतलब ये ल हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा हाफ ल और ये फुल ल, तो जहाँ भी ये मिले बीच में लगा दीजिए व्यंजन संधि। देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए तो एग्जाम्पल देगा हमने, देखिए ये रहा कि त के बाद में अगर ल आए तो त हमारा किस में चेंज हो जाता है, ल में, जब त ल में चेंज हो जाता है, एक ल हमारा ये रहा तो उल्लास, उत धन लास उल्लास, उत धन लेख उल्लेख, ठीक है, तो ल का हो गया। अब ये जो दो नियम बता रहा हूँ इन्हें बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, यही यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा गलती होने की संभावना यहाँ पर अधिक रहती है, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना, जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो थोड़ा इनकी अपेक्षा टफ हैं तो हैं, ठीक है। अगर त के बाद में स आता है दोस्तों, ध्यान देना, त के बाद में स, ये वाला स, सीटी वाला स, ठीक है, त के बाद में स आता है तो यहाँ पर ये दोस्तों दोनों चेंज होते हैं, दो नियम ही है हमारे, त के बाद में एक स आए और एक ह आए, तो दोनों चेंज होते हैं। तो त जो होता है हमारा, त चेंज हो जाता है ज, सॉरी च में, और स चेंज हो जाता है झ में, तो मतलब ये फिर से वही बन गया। अरे ये तो सिंपल हो गया दोस्तों, यहाँ भी ये दिखे बीच में लगा दीजिए व्यंजन संधि, है ना, जहाँ भी ये देखे लगा दीजिए व्यंजन संधि। और आजकल एग्जाम में पूछा क्या जाता है, आपसे संधि विच्छेद नहीं पूछा जाता, बहुत कम रेयर केस में पूछा जाएगा, नहीं ज़्यादातर यही पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा एक शब्द, आप बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो बस आसान होता है ना लगाना। चलिए प्रैक्टिस सेट करेंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे दोस्तों, चिंता मत करिए, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पर देख लिया, तो हमारा चौ में हो जाएगा और स हमारा छ में हो जाएगा। और इसी तरीके से त के बाद में अगर ह आए तो त हमारा द में हो जाता है, ह हमारा ध में हो जाता है। कैसे? जैसे हमने देखा है ना इस तरीके से, अरे वो लिखते हैं ना शुद्ध अशुद्ध, तो ये जो बन जाता है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा चेंज, इस तरीके से हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर अभी क्या था, यहाँ पर च छ बनना था अगर त के बाद में स आ रहा है तो, और ह आ रहा है तो क्या बनना है, ह आ रहा है तो ये बनना है। तो ठीक है, ये मिल जाए, ये मिल जाए व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल है कि उत्दन स्वास, तो यहाँ पर देखिए त के बाद में हमारा स आ रहा है तो क्या होगा उच्छ्वास। तो मैंने बताया था देखिए ये बन जाएगा उच्छ्वास, क्योंकि त हमारा च में चेंज हो गया, स हमारा छ में हो गया, तो हो गया उच्छ्वास। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सतदन शास्त्र, सच्छास्त्र। ठीक है, आगे देखिए दूसरा ह वाला, त के बाद में अगर ह आए तत्दन हित तद्धित, तो त हमारा ध में हो गया, ह हमारा द में हो गया, तद्धित हो गया। ठीक है, आगे उत्दन हार तो उद्धार, तो ये सब अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों त का नियम भी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ थक जाते हैं थोड़ा, रूल है हमारा पांचवा न संबंधी नियम, बहुत आसान है दोस्तों, अब तो सब आसान ही आसान है और पूरा ही आसान है दोस्तों। क्या है बताइए, सात नियम है और आगे रिवीजन ट्रिक और दी है हमने, देखना आप रिवीजन ट्रिक देखना, आपको बहुत ही अच्छे से आपको रिवीजन ट्रिक में बता देंगे ये नियम थे हमारे व्यंजन संधि के, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। ठीक है, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों में, और बताना दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज को फुल डिटेल में कराया जा रहा है। इससे पहले हम हिंदी वर्णमाला पढ़ चुके हैं, वर्तनी शुद्धि पढ़ चुके हैं और विराम चिन्ह पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल पर विजिट करें और देखें दोस्तों, और भी बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। मैथ की सीरीज को बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और एनवायरमेंट की सीरीज चल रही है दोस्तों फुल डिटेल में। तो प्लीज दोस्तों देखें हमारे चैनल पर, हमारे चैनल के साथ जुड़ें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें दोस्तों, जब ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रूल देखते हैं अपना, ज्यादा बातें करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। तो दोस्तों पांचवा नियम क्या है, न संबंधी नियम। तो न संबंधी नियम में क्या होता है दोस्तों कि अगर न से पहले हमारा ये री और र और श, ठीक है, ये तीनों आते हैं तो न हमारा ड में चेंज हो जाता है, ड में हो जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, जहां पर भी ड दिखता है ना बीच में व्यंजन संधि, जहां पर भी ड दिखता है व्यंजन संधि। ठीक है, तो देखिए कैसे, अब इसे देखते हैं कि दूसरे जैसे, एक मिनट। और दोस्तों हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे मैंने देखे हैं पढ़ाने वाले, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, ये दो नियम ऐसे हैं, एक ये और एक और आने वाला है। ठीक है, इन दो नियम पर बहुत ही जल्दी साइड लेके निकल लेते हैं। ठीक है, हैं कुछ नियम, एक और नियम है बताऊँगा मैं भी आपको आगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको क्लियर करता हूँ ये नियम कैसे काम करता है। ये ऐसे करता है दोस्तों, री और ये र और श हमारे पहले शब्द में आए, ठीक है, और न हमारा दूसरे शब्द में कहीं भी आए, जरूरी नहीं है कि पहला ही वर्ड हो न, ठीक है, जरूरी नहीं है पहला ही हो, ये कहीं भी आए तो हमारा न वहीं पर हमारा ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। ऐसे ही हमारा ये है, र हमारा यहाँ पर पहले शब्द में कहीं भी आए या इनमें से कोई भी कहीं भी आए तो हमारा यही नियम लागू होता है। बाद में हमें देखा जाता है कि न जो कहीं पर है वहाँ पर हमारा र में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक अपवाद स्वरूप आता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं कुछ मैं गलत बता रहा हूँ, गलत नहीं है दोस्तों, देखना दोस्तों यहाँ पर है जैसे परिधन नाम, तो यहाँ पर हमारा र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा न आ रहा है, ठीक है, तो ये जो न है ये ड में चेंज हो जाएगा, तो हो गया परिणाम। प्रधन मान, प्र में हमारा र है यहाँ पर, ठीक है, तो मान, तो न देखिए अब हमारा कहाँ आ रहा है, न हमारा अब यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ड नहीं है, अंतिम वर्ड है, तो यहाँ पर हो गया देखिए जहाँ पर न है वहीं पर हम ड कर देंगे, तो प्रमाण हो गया ना, प्रमाण। ठीक है, इसी तरीके से क्रस धन न, तो यहाँ पर देखिए स है तो यहाँ पर न आ गया कृष्ण। विष धन नु, तो ये हो गया विष्णु, ठीक है, रे धन न, तो ये हो गया ऋण, क्योंकि देखिए रे और र सही तो था, तो ये सब आ रहे हैं यहाँ पे पहले वाले में, ठीक है, भर धन न भरड़, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और पढ़ा है हमने कि राम
अयन। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो मैं नियम आपको बता रहा था अभी, आप कह रहे हो कि नहीं यहाँ पर पहले वाले शब्द में अंत में ही आता है हमारा क्या क्या, र और वो ये री और र और श, ये हमारा पहला ही आता है। तो देखिए यहाँ पहला तो नहीं है, यहाँ पर तो माँ है। जब इसका हम संधि विच्छेद करके हम इसे संधि करते हैं तो ये रामायण होता है, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, रामायण बन रही है यहाँ पर तो है। तो र हमारा देखिए यहाँ पर पहला शब्द आ रहा है, सॉरी पहला वर्ड आ रहा है शब्द में, पहले शब्द में, ठीक है ना, पहला वर्ड है। तो दोस्तों आपको बस यही याद रखना है कि ये तीनों पहले वाले शब्द में कहीं भी हो और ये दूसरे वाले में न कहीं भी हो, तो न जहां पर होगा वहीं पर हमें ड करना है, ठीक है। तो क्लियर है, क्लियर है ना। तो जहां पर भी आपको ड देखे व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए अब है म संबंधी नियम। तो म संबंधी नियम क्या कहता है दोस्तों, कि म के बाद में, पहला नियम है ये, इसमें तीन नियम है हमारे, म के बाद में जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है, कोई सा भी वर्ग हो, यानी कौन से वर्ग होते हैं हमारे, कचटतप होते हैं हमारे वर्ग, कौन से होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम वर्णमाला में, ठीक है। कचटतप अभी मैंने यहां पर भी बताया था आपको कचटतप। तो यहां पर चाहे आप ये याद रखिए या ये याद रखिए, छोड़िए आप ये याद मत रखिए, ये याद रखिए, म के बाद में कचटतप आता है, यानी कोई भी वर्ग हमारा आता है, किसी भी वर्ग का वर्ड आता है, तो म अनुस्वर में बदल जाता है, इतना ही आप याद रखना। यहाँ पर ये याद मत रखना कि पंचमास्वर में बदल जाता है, नाशिक में बदल जाता है, अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर क्या होता है दोस्तों, अनुस्वर विसर्ग मैंने कराया था, अनुस्वर होता है ये और विसर्ग होता है ये, ठीक है, क्लियर है ना, ये वर्णमाला में हम पढ़ चुके हैं। चलिए तो म किसमें बदल जाता है, अनुस्वर में, मतलब बिंदी लग जाएगी ऊपर, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। म संबंधी नियम तो बहुत ही आसान है, जहां पर भी देखिए ऐसे आपको देखिए समधन गति, तो संगति बिंदी लग गई, म हटाओ बिंदी लगाओ, समधन चय संचय, म हटाओ बिंदी लगाओ, ठीक है, समधन पूर्ण संपूर्ण, म हटाओ बिंदी लगाओ, समधन कलन संकलन, तो बहुत आसान हो गया ना। बस म संबंधी नियम में क्या करना है, ऊपर हमारी बिंदी आती है। और दोस्तों इस तरीके के आपको शब्द देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सी संधि है, तो आंख बंद करके लगा देना व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए आगे, म का एक और नियम है कि अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन आए म के बाद में, वही जैसे अभी हमारे कचटतप आ रहे थे, अब अंतस्थ या ऊष्म में से, यरलम में से, सस ह में से कुछ भी आए, फिर भी अनुस्वर लग जाता है, तो इसको दूसरा नियम कह के अलग कर दिया है कुछ नहीं, यहां पर भी हमारा अनुस्वर लगेगा, बिंदी लगेगी। समधन रचक संरचक, समधन से संशय, समधन विधान संविधान, तो बस याद रखिए बिंदी लग जाती है, म का नियम ये कहता है, ठीक है। चलिए एक और नियम है म में, कि म के बाद में अगर म ही आ जाए, म के बाद में अगर म ही आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। अरे अभी क्या बताया था अभी हमने आपको, कि जैसे ल है, एक पे अलंत लगा है, उसके बाद में दूसरा ल है, इसके साथ मिलन करना है, तो ये बन जाता है, ठीक है। तो देखिए वही बन जाएगा, तो समधन मान सम्मान, समधन गति सम्मति, तो इन दोनों को भी आप याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। चलिए सातवां नियम देखते हैं। तो सातवां नियम है स संबंधी नियम, ये हमारा लास्ट नियम है, जाइए मत अभी, अभी रिवीजन ट्रैक में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा जो हमने पढ़ा, ठीक है, तो जाना मत। स संबंधी नियम क्या कहता है, कि स का ये इस, ये जो सवाल वाला स है, इसका इस वाले स में पेट चीरा स में, षटकोण वाले स में, कोई तो कहता है षटकोण वाला स, कोई कहता है पेट चीरा स, कुछ भी कह लीजिए, बस आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो सवाल वाले स का इसमें षटकोण वाले स में परिवर्तन, कैसे परिवर्तन कब होगा दोस्तों, अगर इस स से पहले, इस से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो, मतलब ये छोटा आ और बड़ा आ ना हो, उसके अलावा कोई भी स्वर हो इस स से पहले, ठीक है, तो ये वाला स इस स की जगह पर चेंज हो जाएगा, कैसे चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों वेदन सम, तो यहां पर देखिए पहला मैं बता देता हूं ठीक से, कि स से पहले क्या आ रहा है, देखिए वे, तो इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, छोटी की मात्रा है, तो स्वर हमारा केवल अ और आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, और यहां पर हमारा स है, तो ये हमारा ये षटकोण वाले स में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया विषम, ठीक है। अब यहां पर वेदनसाद विषाद, सुदंसमा सुषमा, तो यहां पर देखिए दोस्तों ये अ और अ नहीं आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी स्वर आ जाए तो हमारा स का ये षटकोण वाले स में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो सातों नियम हमने पढ़ चुके हैं, अब करते हैं दोस्तों रिवीजन। तो रिवीजन ट्रिक मैंने ली है यहां पर, क्यों ली है, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, कि बहुत सारे नियम हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि अरे कौन कौन सा नियम था, तो
तो याद नहीं रहता। और वैसे भी संधि लोगों के दिमाग में बहुत टिपिकल सब टॉपिक बन चुका है दोस्तों, तो हम तो इसे आसान करने वाले हैं। तो आसान अभी तक तो स्वर संधि और व्यंजन संधि को आसान तो कर लिया है दोस्तों, विसर्ग संधि और बची है तो उसको भी हम आसानी से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए रिवीजन ट्रिक देखते हैं। तो रिवीजन ट्रिक में रूल क्या थे हमारे व्यंजन संधि के, एक मिनट, व्यंजन संधि के तो रूल थे दोस्तों, देखिए पहले का तीसरे परिवर्तन, पहले का पांचवें परिवर्तन, है ना। तो तीन पाँच, तीन पाँच, तीन पाँच हुआ था पहले, तीन फिर पाँच, फिर था छह संबंधी नियम, त संबंधी नियम, न संबंधी नियम, म संबंधी नियम और स संबंधी नियम, तो बस हो गए सारे नियम। सात नियम है, सातों नियम ये रहे हमारे सामने। तो देखिए पहले का तीसरे में परिवर्तन, जैसे क का ग में परिवर्तन किया था, पहले का पांचवें परिवर्तन, क का अंग में परिवर्तन किया था, ठीक है। छ संबंधी नियम देखा हमने, च छ हो जाता है, त संबंधी नियम बहुत सारे देखे, त के साथ जो भी आता है फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी हम देते हैं, ठीक है। न संबंधी नियम हमने देखा, म संबंधी नियम हमने देखा, बिंदी लग जाती है कुछ नहीं होता है, ठीक है। स संबंधी नियम देखा, षटकोण वाला स बन जाता है, तो ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। व्यंजन संधि हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन पे प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस तभी होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल पर विजिट करिए और देखिए क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। घर बैठे आपके लिए बहुत कुछ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।